हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो अगेन मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी न्यू है, थोड़ी अलग है। तो आइए आज की स्टोरी का टाइटल देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द कैमल, यानी पहला इम्प्रेशन ऊँट का। इम्प्रेशन यानी असर, पहला असर ऊँट का। लॉर्ड ज्यूस इन द क्रिएटर ऑफ द अर्थ एंड ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ, यानी लॉर्ड जियस का मतलब होता है देवताओं का सरदार। यानी एक ज़माने में बहुत तरह के लोग जो है किसी ज़माने में पहले बहुत तरह के लोग बहुत तरह के बुतों को पूजते थे, तो उसी तरह से उस ज़माने में जियस बोल के कुछ लोग जो थे जियस को मानते थे, जिसको मानते थे कि वो देवताओं का राजा है। यानी देवता ने यानी या फिर जियस ने बनाया है, क्रिएटर यानी बनाया है ऑफ द अर्थ यानी धरती को बनाया है, एंड ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ और सारे जानवर जानदारों को, देखिए लिविंग यानी जानदारों को बनाया है ऑन द अर्थ यानी धरती पर। व्हेन मैन सॉ द कैमल इन द डिजर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर अफेयर्ड, यानी जब लोगों ने, देखिए मैन है यानी आदमी, यानी एक आदमी के बारे में नहीं है, कई सारे लोग आदमी के बारे में है, इसलिए तो यानी मैन का मतलब हुआ लोग। जब लोगों ने देखा, सॉ यानी देखा द कैमल यानी ऊँट को इन द डिज़र्ट यानी रेगिस्तान में, डिज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान या सुनसान जगह को या बंजर जगह को या रेगिस्तान को डिज़र्ट कहते हैं। रेगिस्तान में कैमल को जब देखा लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार जब देखा, दे वर अफ्रेड यानी वो लोग बहुत डर गए थे। अफ्रेड का मतलब होता है डर गए, यानी फर्स्ट टाइम जब लोगों ने ऊँट को रेगिस्तान में देखा तो वो डर गए थे। हॉरिफाइड बाय इट्स ह्यूज साइज यानी खतरनाक, हॉरिफाइड का मतलब होता है खतरनाक, भयानक या खौफनाक, तो भयानक उसके बड़े से साइज़ को देखकर यानी उसका जो बड़ा सा साइज़ था, बड़ा सा आकार था, उसे खौफजदा होकर दे रन अवे यानी वो लोग भाग गए। स्लोली दे स्पॉटेड द एनिमल इन एन ऑसियस यानी स्लोली धीरे धीरे दे स्पॉटेड यानी उन्होंने देखा, देखिए स्पॉटेड का मतलब होता है देखना या पहचान लेना, यानी उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने देखा द एनिमल यानी जानवर को देखा इन एन ऑसियस यानी नखलिस्तान में, एक नखलिस्तान में। नखलिस्तान का मतलब होता है रेगिस्तान के बीच में कुछ हरियाली या अच्छी सी जगह होती है, उस जगह को नखलिस्तान बोलते हैं, यानी हरा भरा जगह को रेगिस्तान के आसपास या रेगिस्तान के बीच में जो हरा भरा जगह होता है उसे नखलिस्तान बोलते हैं। यानी उन्होंने स्लोली यानी धीरे धीरे उन्होंने देखा नखलिस्तान में जानवर को। दे फाउंड हिम रिलैक्स्ड एंड ऑफ माइल्ड टेम्परमेंट यानी दे फाउंड यानी उन्होंने पाया हिम यानी उसे पाया रिलैक्स्ड यानी शांत एंड ऑफ माइल्ड टेम्परमेंट यानी नरम मिजाज का उन्होंने उसे पाया, किसे पाया ऊँट को, यानी ऊँट जो है एक नरम मिजाज का और बहुत ही शांत रहने वाला जानवर था, उन्होंने जानवर को वैसा पाया। दे मस्टर्ड सम करेज एंड अप्रोच्ड द कैमल, दे मस्टर्ड यानी उन्होंने जायजा किया सम करेज यानी थोड़ी हिम्मत दिखाई एंड अप्रोच्ड द कैमल और पहुँचे ऊँट के पास, पहले उन्होंने जायजा लिया कि वो किस तरह का है, उसके बाद उन्होंने थोड़ी हिम्मत की और वो लोग ऊँट के पास पहुँचे। मैन ऑफर्ड हिम फ्रेश ग्रास एंड क्लीन वाटर यानी लोगों ने ऑफर्ड यानी पेश किया, ऑफर्ड किया यानी दिया हिम उसे फ्रेश ग्रास यानी ताज़े घास एंड क्लीन वाटर और साफ पानी, यानी लोगों ने उसे साफ पानी और घास ऑफर किया। सून द कैमल स्टार्टेड हेल्पिंग देम यानी सून जल्द ही ऊँट करने लगा मदद, यानी स्टार्टेड यानी करने लगा
हेल्पिंग यानी मदद करने लगा देम यानी उनकी, जल्दी ऊंट उनकी मदद करने लगा। ही कैरिड देयर लोड्स, उसने उठाया देयर लोड्स उनके बोझ को, उनके बोझ को उठाया। ही पुल द कार्ट्स यानी उसने खींचा, खींचा द कार्ट्स, कार्ट्स क्या, कार्ट्स का मतलब होता है जो यक्का गाड़ी होता है यानी जो दो पहिए से खींच कर चलाने वाला जो पहिए गाड़ी होता है उसे कार्ट बोलते हैं, यानी कैमल कार्ट हो या फिर वो हॉर्स कार्ट हो, किसी को भी कार्ट आप लोग समझ ही सकते हैं, यानी घोड़े घोड़ा गाड़ी हो या किसी भी तरह का जो गाड़ी खींच कर चलाया जाता है उसे कार्ट कहते हैं। यानी उसने खींचा कार्ट्स यानी गाड़ियों को खींचा, यक्का गाड़ियों को खींचा, यानी द फैमिलैरिटी, देखिए फैमिलैरिटी का मतलब होता है मेल जोल, जानकारी यानी जानकारी से, एंड ग्रीड यानी लालच ऑफ मैन यानी लोगों की लालच, टू टैम यानी शांत द कैमल यानी कैमल्स यानी ऊंट, ऊंट जो थे शांत शांत ऊंट से मेल जोल कर लोगों की लालच इंक्रीज्ड हो गई यानी बढ़ गई, टू सच एन एक्सटेंट यानी इस हद तक, देखिए इस हद तक बढ़ गई यानी एक्सटेंट का मतलब होता है हद तक और सच का मतलब होता है ऐसा या वैसा या उस हद तक या वैसे हद तक बढ़ गई, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो शांत ऊंट को जानने के बाद जो है लोगों की लालच इस हद तक बढ़ गई, एक्सटेंड का मतलब होता है हद तक यानी इस हद तक बढ़ गई, दैट के दे पुट अ ब्राइडल ऑन इट्स बैक यानी उन्होंने रखा अ ब्राइडल यानी एक लगाम रखा, ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, नकिल जो लगाम रखते हैं ना जानवरों को अपना बंदी बनाने के लिए, तो उन्होंने एक लगाम रखा ऑन इट्स बैक यानी उसके पीठ पर, मेड देयर चिल्ड्रेन टू सिट ऑन हिम एंड कंट्रोल हिम यानी मेड देयर चिल्ड्रेन यानी उनके बच्चों को टू सिट ऑन हिम यानी उस पर बैठाया, एंड कंट्रोल हिम और उसे उसे वश में किया यानी उसके कंट्रोलर बन गए। ऊंट इतना शांत जानवर था कि उससे मिलजुल कर लोगों की लालच इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसे अपना उन लोगों ने बंदी बना लिया था, उसके कंट्रोलर बन गए थे। ग्रेजुअली मैन बिकेम देयर मास्टर यानी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मैन यानी लोग बिकेम बन गए देयर मास्टर्स यानी उसके मालिक बन गए यानी धीरे धीरे जो है लोग उसके मालिक बन गए यानी क्योंकि ऊँट इतना शांत था कि उससे मिलकर उससे उसका जायज़ा लेकर उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो लोग उसको अपना बंदी बना लिया, उसका कंट्रोलर बन गए वो लोग। तो आइए इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। तो इस स्टोरी का मोरल है, फेयरफुल थिंग्स कैन बी कैप्चर्ड बाय करेज यानी फेयरफुल यानी खौफनाक चीज़ें कैन बी कैप्चर्ड यानी पकड़ा जा सकता है बाय करेज यानी हिम्मत से यानी खौफनाक चीज़ों को भी पकड़ा जा सकता है हिम्मत से। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, बाय।